अस्सलाम वालेकुम मेरे डियर व्यूअर्स के लिए आज मैंने बनाया है आपका और मेरा फेवरेट चिकन टिक्का पिज्जा। बहुत ही मजेदार, सॉफ्ट और क्रीमी बना है। देखिए माशाल्लाह से बिल्कुल सॉफ्ट बना है। अब बाहर से नहीं घर पर ही पिज्जा बनाएंगे, तो चलें स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो जरूर सब्सक्राइब करें और इस बेल के आइकन को भी क्लिक करें ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो आपको जरूर मिले। सबसे पहले एक बॉल में मैंने लिया है 1/4 कप मैदा, ये छोटे कप में 3 कप के बराबर है और ग्राम में 350 ग्राम। एक लार्ज पिज्जे की डो के लिए इतना मैदा काफी है। अब इसमें मैं ऐड करूंगा चीनी 1 टेबल स्पून, ईस्ट 1 टेबल स्पून, ब्रेड इम्प्रूवर 1 टेबल स्पून, खुश्क दूध 2 टेबल स्पून। अब इसको स्पून की हेल्प से मिक्स कर लेंगे। 1/2 कप मैंने लिया है पानी, लेकिन इसमें मैं थोड़ा थोड़ा करके ऐड करता रहूंगा। थोड़ा सा इसको गूंदेंगे और फिर मजीद पानी डालेंगे। देखिए डो तकरीबन फर्म हो चुकी है। अब मैं इसमें ऐड करूंगा 1 टेबल स्पून ऑयल। उसको इस तरह से डो के ऊपर लगा देंगे। मजीद 1 टेबल स्पून ऑयल, टोटल 5 टेबल स्पून ऑयल जाएगा इसके ऊपर। इसको इस तरह से ऑयल लगाकर कवर करके तकरीबन 15 मिनट के लिए रख देंगे। देखिए डो हमारे 15 मिनट में कितनी अच्छी राइज हो चुकी है। इसको पंच करके थोड़ा सा गूंदेंगे। और अब मैं इसमें ऐड कर रहा हूँ सॉल्ट 1 टेबल स्पून। याद है डो में सॉल्ट मैंने पहले नहीं डाला था, क्योंकि सॉल्ट को पहले डालने की वजह से ईस्ट और सॉल्ट आपस में मिल जाते हैं और डो हमारी अच्छी तरह से राइज नहीं होती। यही वजह है कि अक्सर लोगों का पिज्जा अच्छी तरह से फूलता नहीं है। आप वीडियो को अच्छी तरह ध्यान से देखें और इसको स्टेप बाय स्टेप याद रखें ताकि आपका पिज्जा भी इतना ही मजेदार बने। अब डो को मैं कवर करके मजीद 15 मिनट के लिए रख दूंगा। चिकन टिक्का बॉडी बनाने के लिए सबसे पहले मैंने फ्राई पैन में 3 टेबल स्पून ऑयल लिया है और मैं इसमें ऐड करूंगा चिकन 300 ग्राम। चिकन को इस वक्त तक पकाएंगे जब तक इसका कलर व्हाइट ना हो जाए। दो मिनट गुजर चुके हैं। अब मैं इसमें ऐड कर रहा हूं लाल मिर्च पाउडर 1/2 टेबल स्पून, नमक 1/2 टेबल स्पून, हल्दी 1/4 टेबल स्पून, काली मिर्च 1/4 टेबल स्पून, पेपरिका पाउडर 1/2 टेबल स्पून, बेजल लीव्स 1/4 टेबल स्पून, ओरिगानो 1/4 टेबल स्पून। अब इसको स्पून की हेल्प से मिक्स कर लेंगे। देखिए मसाले चिकन के साथ अच्छी तरह से पक चुके हैं और चिकन का पानी भी ड्राई हो चुका है। अब मैं इसमें ऐड करूंगा चिली सॉस 2 टेबल स्पून, सोया सॉस 1 टेबल स्पून। बस चिकन हमारी पक चुकी है, इसको 2 मिनट के लिए मजीद कुक करेंगे ताकि सोया सॉस और चिली सॉस ड्राई हो जाए। चिकन टिक्का बॉडी तैयार हो चुकी है। अब इसको डिश आउट करके साइड में कर लेंगे। जब तक हम अपना पिज्जा पैन तैयार कर लेते हैं, इसमें मैं ब्रश की हेल्प से अच्छी तरह से ऑयलिंग कर लूंगा। अच्छी तरह से ऑयलिंग कर लेनी है, इसकी वॉल्स पे भी अच्छी तरह से ऑयल लगा देना है। अब थोड़ा सा ड्राई मैदा डस्ट करेंगे और इसको इस तरह से फैला लेंगे। 15 मिनट हो चुके हैं। देखिए डो कितनी अच्छी राइज हो चुकी है। अब इसको बॉल में से निकाल लेंगे, थोड़ा सा मैदा डस्ट करेंगे और उसके ऊपर इस डो को रोल कर लेंगे। पिज्जा पैन रख के इसका साइज देखेंगे। जी साइज तकरीबन बिल्कुल परफेक्ट बना है। इसको आराम से उठाकर अब
पिज्जा पैन के ऊपर डाल देंगे और इस तरह से पिज्जा डो की साइडों को उठाकर पिज्जा पैन की वॉल्स के साथ लगा देंगे। देखे पिज्जा डो बहुत अच्छी तरह से लग चुकी है। अब एक फोर्क की हेल्प से इसमें छोटे छोटे सुराख कर लेंगे। ये करना बहुत जरूरी है क्योंकि इसकी वजह से आपका पिज्जा बीच में से राइज नहीं होगा। अब मैं इसमें ऐड करूंगा पिज्जा सॉस। मैंने 3 टेबल स्पून लिया है, आप अपने फ्लेवर के मुताबिक ले सकते हैं। ये पिज्जा सॉस होममेड है, इसकी रेसिपी आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगी। इसका लिंक मैंने ऊपर कार्ड में भी दे दिया है और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। इसको अच्छी तरह से स्प्रेड कर देंगे। चिकन टिक्का पोटी, इसको भी हम हाइड्रो के ऊपर रखेंगे। देखिए सबसे पहले मैं इसकी साइडों पे रखूंगा, बिल्कुल इसके बॉर्डर के पास। चिकन का पूरा एक राउंड लगाने के बाद अब मैं सेंटर में अच्छी तरह से चिकन डाल दूंगा। आपको जितनी पसंद हो उतनी ऐड कर सकते हैं। प्याज, इसकी भी अच्छी तरह टॉपिंग कर देंगे। ये भी आप अपनी पसंद के मुताबिक कम या ज्यादा कर सकते हैं। शिमला मिर्च, इनके अलावा कोई और टॉपिंग भी पसंद है तो आप अपनी चॉइस की टॉपिंग कर सकते हैं। मैंने मोज़रेला और चेडर चीज दोनों शेड कर ली थी। मोज़रेला और चेडर चीज दोनों 100 ग्राम है, लेकिन आप अपनी चॉइस के मुताबिक इसको कम या ज्यादा ऐड कर सकते हैं। ब्लैक ऑलिव्स, ऑलिव्स हम चीज डालने के बाद ऊपर से लगाएंगे। ओरिगानो, इसको सेंटर में भी थोड़ा सा डाल देंगे और इसके बॉर्डर के ऊपर भी छिड़क देंगे। अब एक अंडा मैंने बीट कर रहा था, वो हमारे पिज्जा के बॉर्डर के ऊपर ब्रश कर देंगे। ये स्टेप आपने लाजमी करना है, इससे हमारे पिज्जा का बहुत अच्छा सा कलर आएगा। थोड़ा सा मैं बीच में भी ऐड कर दूंगा इस तरह से। पिज्जा की टॉपिंग कंप्लीट हो चुकी है। अब इसको मैं उठा के हमारे पतीले के स्टैंड के ऊपर रख दूंगा और इसको आधे घंटे के लिए बेक करूंगा। मैंने एक बड़े पतीले में स्टैंड रख दिया था और उसको मैंने तकरीबन 20 मिनट के लिए हाई फ्लेम पे प्रीहीट करा है। आधा घंटा गुजर चुका है। देखिए माशाल्लाह से कितना अच्छा हमारा पिज्जा बन के तैयार हो चुका है। इसको 2 से 3 मिनट के लिए रख देंगे ताकि थोड़ा कूल डाउन हो जाए और उसके बाद छुरी की हेल्प से इसकी बॉर्डर को उतार लेंगे और सर्विंग प्लेट में सर्व कर लेंगे। याद रहे कि जिस टाइम पे पिज्जा बेक हुआ होता है उस टाइम पे फौरन नहीं निकालेंगे, क्योंकि उस वक्त इसका चीज भी काफी हॉट होती है और पिज्जा की ब्रेड भी काफी सॉफ्ट होती है। मजेदार सॉफ्ट और चीजें पिज्जा तैयार हो चुका है, बहुत ही मजे का बना है। देखिए इसकी ब्रेड कितनी अच्छी राइज हुई है और कितनी सॉफ्ट है और टेस्ट में भी बहुत ही अच्छा है। हर चीज का बिल्कुल परफेक्ट टेस्ट आ रहा है, बहुत चीजी और बहुत मजेदार है, बहुत अच्छा राइज हुआ है। इंशाल्लाह आप मेरी रेसिपी को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करेंगे तो बिल्कुल ऐसा ही पिज्जा आप अपने घर पे भी बना लेंगे। जरूर बनाइएगा और मुझे बताइएगा कि आपको कैसा लगा। वीडियो अच्छी लगी है तो कमेंट जरूर करिएगा। मेरी मजीद वीडियो को देखते रहें और उनको लाइक और शेयर भी करते रहें। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो जरूर सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली रेसिपी में। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।